हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप सब बढ़िया होगे, मस्त होगे, बिंदास होगे। यार आज की इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप जापान आना चाहते हैं या फिर आप जापान में हैं और आप जॉब एक अच्छी जॉब सर्च कर रहे हैं, लाइक आप ऑफिस जॉब सर्च कर रहे हैं, तो यार एक्चुअली मैं बताऊँ कि यहाँ पे मैंने अभी तक जितने लोगों को देखा है ना, 70-80% लोग जो एक अच्छी जैपनीज कंपनी में ऑफिस जॉब करें, उनका सिर्फ मेन मोटिव होता है पैसा कमाना और वो उनकी जॉब से लेना देना कुछ होता नहीं है। तो वो ज़्यादातर वही जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि खच्चरों वाली जॉब करना पसंद करते हैं। तो लेकिन कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी हैं जो कि यार वो अच्छी जॉब करना चाहते हैं, अपने फ्यूचर को लेके डेडिकेटेड होते हैं, तो उस उन लोगों के लिए, बट उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है कि उनको पता नहीं होता कि यार वो कैसे ऐसी जॉब सर्च कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप अगर ऑफिस जॉब करना चाहते हैं जापान में तो आप कैसे सर्च कर सकते हैं और क्या आपको स्किल होनी चाहिए जो रिक्वायरमेंट होती है एक जापानीज कंपनी में ऑफिस जॉब के लिए, और एक दो सॉफ्टवेयर बताऊंगा आपको कि अगर आपने वो सीखा है, चलाना आता है, तो आपको इजीली यहाँ पे ऑफिस जॉब मिल सकते हैं। तो बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। काम चालू होने वाला है मेरे इस बिल्डिंग में, देखो पूरी अच्छी तरह से बढ़िया बना रखा है, और इसे ना भी पूरा पैक करेंगे ताकि किसी और को प्रॉब्लम ना हो, कोई कचड़ा वचड़ा किसी के यहाँ बाहर ना जाए। पता है ये बिल्डिंग में काम चालू होने से पहले इन्होंने दो बार हमें लेटर दिया था सभी को जितने लोग यहाँ पे रहते हैं, कि इसमें लिखा हुआ था कि इतने टाइम से, इतने दिन से इतने दिन तक काम चलेगा, और टाइम भी लिखा हुआ था, और उसमें लिखा हुआ था कि अगर कोई प्रॉब्लम आती है आपको इस टाइम काम के बीच में तो उसके लिए बहुत बहुत सॉरी है। हाँ, तो अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। तो यार देखो, अगर यहाँ पे आपको जॉब करनी है ना, तो मैं पहले बता देता हूँ कि आपको सर्च कैसे करना है। तो देखो, अगर आप स्पेशलिस्ट हैं किसी फील्ड में, लाइक कि अगर आप वेब डेवलपर हैं, आईटी इंजीनियर हैं, या फिर और किसी फील्ड से आप बिलोंग करते हैं जिसके आप पूरे तरह से माहिर हैं, ये नहीं कि हाँ मैंने पढ़ा है, अगर आपको पूरी अच्छी तरह से आता है ना, तो फिर तो आपको यहाँ पे जॉब सर्च करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि ऐसे ऐसे यहाँ पे वेबसाइट है जो कि स्पेशलिस्ट को हायर करते हैं, और अगर आपको अच्छी तरीके से वो काम को आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अगर आपके पास कोई स्पेशल स्किल नहीं है, लाइक आप अगर किसी के फील्ड में माहिर नहीं है या कोई स्पेशलिस्ट नहीं है, लेकिन अगर आप फिर भी ऑफिस जॉब करना चाहते हैं ना, कि उसके लिए आपको थोड़ा बहुत कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए, लाइक जैसे कि वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये आना चाहिए, और उसके ज़्यादा अलावा आपको स्पेशल स्किल चाहिए नहीं होती ऑफिस जॉब वगैरह करने के लिए, तो वो आना चाहिए। और कोशिश करें कि आपको जापानीज में चलाना आए। अगर आप इंडिया में रहते हैं, अगर आपको वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट चलाना आता है, अगर आप जापानीज लैंग्वेज सीख रहे हैं, तो मैं आपको बोलूँगा कि आप जैसे इंग्लिश में चलाते हैं कंप्यूटर को, उसको आप जापानीज में करिए और जापानीज में चलाना सीखिए, क्योंकि यहाँ पे सारे कंप्यूटर जापानीज में ही मिलेंगे आपको, आपको इंग्लिश चलाने को नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने भी ऐसे सेम किया था, मैंने इंग्लिश में कर लिया था बट उन्होंने जापानीज में पूरा करवा दिया। तो ये आपको जापानीज में चलाना आना चाहिए, और जापानीज में चलाने में अगर प्रॉब्लम आती है तो तुम खुद जब सीखोगे, चलाओगे तो आने लगेगा, जब जॉब में चलाते हो तो वहाँ पे एज अ प्रेशर बन जाता है, तो फिर वहाँ पे सीखना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो आप कोशिश करें कि आपके पास अगर दो लैपटॉप है या कंप्यूटर है तो ज़्यादा बेटर होगा, एक साइड आप इंग्लिश में चलाइए, उसी सेम को, वही जो इंस्ट्रक्शंस वहाँ पे काम कर रहे हो, फॉलो कर रहे हो, वही सेम जापानीज में करिए, तो धीरे धीरे आपकी हैबिट बन जाएगी। छोटा सा टेंपल है जो शिरीन बोलते हैं, शिरीन। इधर देखो पानी पीने के लिए है, जापान में बहुत कम पानी वानी पीने को ऐसे मिलता है, बट पार्क वगैरह में और ऐसे टेंपल वगैरह में ना पीने के लिए होता है। अब जैसे मुझे कोई एक बंदा मैसेज कर रहा था, वो जॉब वगैरह के बारे में सब कुछ पूछ रहा था, और पूछ रहा था कि अगर कंप्यूटर चलाना नहीं आता तो फिर हम ऑफिस जॉब कैसे करेंगे। तो यार देखो, दुनिया में तो हर जगह यार कंप्यूटर ही यूज होता है आजकल, हैंड वाला तो काम रह नहीं गया कि हाथ से आपको कुछ काम करना है, तो इंडिया में भी ऐसा नहीं होता, और ये तो फिर भी जापान है। तो यार काफ़ी ऐसे पूछ रहा था, फिर मैंने उसे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन कर रहा था, बार बार करे जा रहा था, तो मैंने बोल दिया कि भाई अगर उसने पूछा कि अगर नहीं आता तो फिर मैंने बोल दिया कि नहीं आता तो जापान मत आना, उसके बाद से उसने मैसेज ही नहीं किया। तो भाई अगर वीडियो देख रहा है तो किसी के बोलने से मतलब कि हाँ ना पे नहीं अपना डिसीजन चेंज करना होता, बट हाँ मैं आपको थोड़ी सी यही नॉलेज दे सकता हूँ यहाँ के बारे में, बता सकता हूँ कि अगर आप यहाँ पे आना चाहते हैं तो इस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, और वो आपको करके ही आना पड़ेगा, नहीं फिर यहाँ पे बहुत कुछ झेलना पड़ेगा। तो इसलिए जो मैं बोल रहा हूँ, अगर ऑफिस जॉब करनी तो आप थोड़ा सा कंप्यूटर चलाना आना चाहिए, और वो जापानीज में आना चाहिए तो ज़्यादा बेटर होगा। अब देखो, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अगर आप कोई स्पेशलिस्ट हैं, कोई आपके फील्ड बहुत माहिर हैं,
तो उसमें तो आपको जॉब सर्च करने में प्रॉब्लम नहीं होगी, बट जैसे कि ऑफिस जॉब है तो उसमें कोई स्पेशल चाहिए नहीं होता है, बस आपको ऑफिस वर्क मीन्स कि आपको वही वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट चलाना आना चाहिए, तो उसके लिए ना जॉब सर्च करने में प्रॉब्लम आती है। वो इसलिए आती है कि जापान में ना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम मुझे फेस करनी पड़ी है, और ये यहाँ पे है कि जैसे यहाँ पे ना आप अपने आप कहीं पे जॉब सर्च करते हैं तो आपको एक स्पेशल फील्ड चूज़ करनी होती है जो आपके अंदर है, कि आप आपसे पूछा जाता है कि आप क्या फील्ड में काम करते हैं और आप क्या हैं। तो अगर आपको वो नहीं पता ना, और आपके अंदर वो नहीं है कि मतलब कोई स्पेशल चीज़ नहीं है, लाइक वही कि अगर आप आईटी इंजीनियर नहीं है, कोई वेब डेवलपिंग नहीं है, या फिर मैकेनिकल इंजीनियर है, जो भी है, अगर आप किसी स्पेशल फील्ड से बिलोंग नहीं करते ना, तो उसमें फिर सेल्फ जो जॉब सर्च करना होता है ना वो बहुत प्रॉब्लम आती है, और वो मिलती भी नहीं है। सही बताऊँ, मैंने भी ये प्रॉब्लम को फेस किया है। तो जैसे कि अब आपके पास है नहीं है ऐसे स्पेशल फील्ड, तो आपको क्या करना है कि जैसे आप ऑफिस जॉब करना है तो आप जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था कि आप कंसल्टेंसी का सहारा ले सकते हैं, आप कंसल्टेंसी के थ्रू जॉब सर्च कर सकते हैं। क्योंकि अब देखो इंडिया में होता है या कहीं पे भी होता है कि आईटी वाला बंदा फाइनेंस में जॉब कर लेता, फाइनेंस वाला आईटी में, जैसे कि मैं आईटी से था और मैं बैंक में जॉब कर रहा था। तो यहाँ पे जापान में पूरा डिफरेंट है, यहाँ पे सिर्फ वही फील्ड वाला बंदा जो ग्रेजुएशन आपने पढ़ी है उसी फील्ड में आपको जॉब करनी पड़ेगी, आपके पास कुछ स्पेशल स्किल होनी चाहिए। लेकिन आपके पास अगर नहीं है, अगर आप जॉब करना चाहते हैं ऑफिस में, तो वही जो मैंने बताया कि आपके पास वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट अगर आपको आता है तो उसमें फिर आपको ना जॉब सर्च करने में यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम आती है कि वो सेल्फ आप सर्च नहीं कर सकते। तो फिर उसके लिए मैंने जो आपको पहले भी बताया है कि आप कंसल्टेंसी का सहारा ले सकते हैं, आप कंसल्टेंसी के थ्रू जॉब सर्च कर सकते हैं। क्योंकि जो कंसल्टेंसी वाले होते हैं ना, तो वो ज़्यादातर छोटी छोटी कंपनी में आपको इंट्रोड्यूस करते हैं, और विलेज एरिया में होता है, जैसे कि मैं अभी भी जॉब करता हूँ, तो इस तरह की कंपनी में आपको इंट्रोड्यूस कर देंगे। और वहाँ पे फिर आपको ये नहीं पूछते कंपनी वाले कि आप कौन से जॉब करने, मतलब क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है, आप वो अपना जॉब बता देते कि हमारे कंपनी में ये जॉब करना है, वो आप कर पाओगे कि नहीं, तो आपको यस और नो में जॉब देना है। अगर आप कर पाते हैं तो फिर आपको जो हायर कर लेते हैं। और जब आप कंसल्टेंसी के थ्रू जॉब अप्लाई करते हैं ना, तो आपको फिर वीज़ा वगैरह भी इजीली मिल जाता है। क्योंकि अगर आप खुद अप्लाई करते हैं वीज़ा वगैरह, तो अगर आप स्पेशलिस्ट नहीं हैं तो फिर वहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि आपकी जो एजुकेशन है, एजुकेशन से आपकी जॉब मैच करना चाहिए, तभी थोड़ा सा वीज़ा यहाँ पे इजी मिल जाता है। नहीं तो अगर नहीं है तो नहीं मिलता, थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। तो कंसल्टेंसी के थ्रू वो लॉयर वगैरह होते हैं, वो सब कुछ करवा देते हैं, तो मिल जाती है। और देखो वैसे एमएस ऑफिस भी एक छोटी स्किल नहीं होती। एमएस ऑफिस में अगर आपको एक्सेल अच्छे तरीके से आता है, आप सब कुछ जानते हैं एक्सेल में काम करना आता है आपको, तो हर कंपनी में एक्सेल यूज होता है, और खासकर होटल वगैरह में एक्सेल यूज होता है, तो आपको होटल इंडस्ट्री में भी अच्छी जॉब मिल सकती है। और होटल का काम भी ऑफिस जॉब जैसे ही होता है, रिसेप्शन का हो सकता है, तो वहाँ पे अंदर ही जॉब करना होता बढ़िया, ऐसे में कोई दिक्कत नहीं आती। और जो कंपनी जो लेवर है वो लेवर ही होते हैं, वो तो भाई साहब 40 डिग्री 48 डिग्री में काम करना पड़ सकता है यहाँ पे, और ठंड में भी काफ़ी काम करना पड़ता है। लेकिन मैं आपको एक सॉफ्टवेयर रिकमेंड करता हूँ, अगर आप उसको चलाना आता है या आप उसको सीख लेते तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी है। देखो अगर वही बता रहा हूँ बार बार आपको कि अगर आपने एक स्पेशलिस्ट हैं तो बहुत अच्छी जॉब मिल जाती है, नहीं है तो प्रॉब्लम आती है। तो एक जो सॉफ्टवेयर यहाँ पे जो छोटी कंपनियों में या बड़ी कंपनियों में हर जगह यूज करते हैं, जबकि मैंने जब इंटरव्यू दिया था ना, तो उसके मैंने 3-4 जगह सेम उसी सॉफ्टवेयर के लिए इंटरव्यू दिया था, तो मैं बात कर रहा हूँ ऑटो कैड की। जो कैड होता है ना, जिसकी मतलब कि हर कंपनी में जो 3D डिजाइनिंग होती है, चाहे वो पार्ट्स जैसे होते हैं ना, जो कोई ये कुर्मा से रिलेटेड या जो कार वगैरह के जो कंपनीज वगैरह होती हैं, तो ऑटोमोबाइल की, तो वहाँ पे ये 3D जो ये ऑटो डिजाइनिंग होती है तो वो बहुत ज़्यादा यूज होता है हर जगह। जैसे फर्नीचर की कंपनी होती है, जैसे मेरी कंपनी में भी ये सारे लोग डिज़ाइनिंग करते रहते हैं, ज़्यादातर लोग डिज़ाइनिंग करने वाले हैं, मेरी दूसरी फील्ड है। तो अगर आप ऑटो कैड सीख लेते हैं, ऑटो कैड से और भी ऊपर, मतलब ये ऑटो कैड एक सॉफ्टवेयर का नाम है, इससे भी जो अच्छे जो लेटेस्ट मॉडल के हैं उनको भी आप चलाना सीख लें तो ज़्यादा अच्छा होगा। और वो यहाँ पे हर कंपनी में उसकी 3D डिज़ाइनिंग होती है, और उससे भी आपको अगर आप वो चलाना आता ना थोड़ा बहुत, तो यहाँ पे कंपनी आपको सिखा भी देती है, कोई दिक्कत नहीं आती। जब मैंने इंटरव्यू वगैरह दिया था ना, तो मैंने बोला था कि मुझे बिल्कुल नहीं आता और मैं कैसे करूँगा, तो मुझे कंपनी ने मुझे बोला था कि अगर आप इंटरेस्टेड हो तो हम आपको स्टार्टिंग जीरो से लेकर हीरो बनाने तक का काम हमारा है, हम आपको काम सिखा देंगे। बट मैं फिर थोड़ा सा इधर उधर करके फिर मैंने वहाँ पे जॉब किया नहीं, थोड़ा सा बहुत ज़्यादा कंट्री साइड था। तो अगर आप एमएस ऑफिस के साथ साथ अगर आप ये ऑटो कैड जो
3D डिजाइनिंग का सॉफ्टवेयर है, अगर आपको इसको चलाना आता है ना तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी है। तो जो भी वीडियो को देख रहा है तो ज़रूर याद रखना कि अगर आप ऑटो कैड सीख लिए, ज़्यादा बिल्कुल नॉर्मल है, ज़्यादा इसमें कोई मत्था वत्था मारने की जरूरत नहीं पड़ती, कोई मैथमेटिक्स या साइंस नहीं होता, बस उसको वहाँ से टूल्स उठाना, पेस्ट करना है, ड्रैग एंड ड्रॉप वाला काम होता है वहाँ पे। मेरी कंपनी में जो एक बंदा आया ना इंडिया से, कर्नाटका का है, वो भी यही ऑटो कैड के लिए ही आया, डिजाइनिंग के लिए, 3D डिजाइनिंग के लिए। जो हमारे फर्नीचर के प्रोडक्ट होते हैं ना सारे, वो पहले वहीं पर 3D डिजाइन होते हैं, उसके बाद फाइल तैयार होती है, फिर वो कोजियो में फैक्ट्री में जाते हैं, फिर वो उसके हिसाब से जो भी मिस्त्री होते हैं, कारीगर होते हैं उस चीज़ के, वो फिर वहाँ पे उसी सेम नाप तौल के जितना भी होता है वो बनाते हैं। तो आप ये इसको भी सीख सकते हैं और इससे भी आपको एक यहाँ पे अच्छी जॉब मिल सकती है। और मैं देखो जिस कंसल्टेंसी की बात कर रहा हूँ ना कि जॉब दिला देते हैं वो, तो बता दूं मैं कि उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा ना 80-90% जॉब सारी मतलब कि लेबर टाइप की ही जॉब होती है। बट बहुत सी कंपनियां में ये ऐसे ही इंट्रोड्यूस करते हैं, जो ऑटो कैड बता रहा हूँ जो डिजाइनिंग वाला, ये बहुत सी कंपनियां में मतलब कि ऐसे भी इंट्रोड्यूस करते हैं। अब छोटी कंपनियां होती ना तो इनको पता नहीं होता कि जो कंट्री साइड में होती ना तो इनको पता नहीं होता कि एम्प्लॉय वगैरह कैसे हायर करना है, कैसे कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पे हल वर्क सबको पता है, तो वहाँ पे सबको ये पोस्ट करता है जॉब, और वहीं से जो कंसल्टेंसी होती ना वहीं से बहुत ज़्यादा पिक करती हैं या फिर खुद विजिट करते हैं। तो इस इनके सहारे से आप जॉब ले सकते हैं। और ये 10-15% 20% कंपनी में ऐसा होता है कि ये डिजाइनिंग वाले कंपनियों में आपको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, आपको अच्छी जॉब मिल सकती है। तो गाइज इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं किसी और वीडियो में। आई होप ये वीडियो गाइज आपको पसंद आया होगा, और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है ना, सच में यार उसको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद है, शुक्रिया है, उसके लिए दिल से दुआ है कि आप खुश रहो, मस्त रहो। और जिन्होंने नहीं किया ना यार, कर लेना यार, क्योंकि यार आप लोगों के लिए मेहनत करता हूँ काफ़ी ज़्यादा। और नहीं भी करना उसमें भी आप ही का नुकसान है, क्योंकि मैं तो वीडियो बना ही जा रहा हूँ, मुझे मज़ा आता है, बनाता हूँ, जो भी 4-5 लोगों का फ़ायदा होता है, बेनिफिट होता है, उसे में मैं खुश हूँ। बट अगर सब्सक्राइब कर लोगे थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा बढ़ेगी, तो और थोड़ा सा मतलब कि पैशन के साथ में काम करने में मज़ा आएगा और काम करूँगा। तो ठीक है, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा, टेक केयर, जय हिंद।